डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल वो होता है जो हमारा वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल को चेक करना है कि उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है। तो वेरिएबल का जितना हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा डिग्री कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लें तो जैसा कि देख सकते हैं 5x प्लस 3। अब देखिए यहां पे हमारे पास वेरिएबल कौन है, सिर्फ और सिर्फ x है और इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो इसका हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है 1 है, इसीलिए इसका जो डिग्री होगा तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 1 होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम और भी चीजों को देखें जैसे 3y² प्लस 6y प्लस 3, अब इसका डिग्री कितना है। तो पहले देखिए कि वेरिएबल यहाँ पर y है, यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है और यहाँ पे वेरिएबल का पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन है मेरा 2 है, सो मेरा डिग्री जो होगा यहाँ पर वो मेरा कौन होगा 2 होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम और भी चीजों को देख लें जैसे 4x का पावर 3 माइनस 6x² प्लस 4x माइनस 10। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखिए क्या है 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। तो यहाँ पर डिग्री हमारा कौन होगा, तो यहाँ पर हमारा डिग्री 3 होगा। ठीक उसी प्रकार से और भी एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें जैसे 3t का पावर 4 है आपके पास माइनस 1/2 t का पावर 3 प्लस 16t² माइनस 7t प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल t है, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, तो वेरिएबल तो t है लेकिन इसका हाईएस्ट पावर क्या है। तो इसका हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पर 4 है, उसके बाद फिर यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। सो हम ये कहेंगे कि जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए, सो रिमेम्बर द पॉइंट कि आपका हाईएस्ट पावर होना चाहिए, तो जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। तो इस टी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, सो हमारा यहाँ पर जो डिग्री कहलाएगा वो हमारा कौन होगा 4।